बच्चों नमस्कार। प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 3। देखो बच्चों, पृष्ठ संख्या 3 के ऊपर आप देख रहे हैं रेड लेटर्स में लिखा हुआ सीन 2 सेकेंड। जो दूसरा दृश्य है वो शुरू हो रहा है रीड एंड फाइंड आउट। रीड यानी पढ़ो, एंड फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? पता लगाओ। फाइंड यानी होता है पाना, और जब आपने उसमें आउट जोड़ा तो वर्ब में क्या होता है बच्चों, जब कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं हम, देन इट बिकम्स ए फ्रेजल वर्ब। तभी एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है एंड देन इट्स मीनिंग चेंजेज कम्प्लीटली, और तब इसका मीनिंग या इसका जो अर्थ होता है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, पूरी तरह से उसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। क्लियर है? तो फाइंड यानी पाना होता है, लेकिन फाइंड आउट का मतलब बाहर पाना नहीं होता। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, टू डिस्कवर समथिंग, टू डिस्कवर, फाइंड आउट द रीज़न। इसका मतलब डिस्कवर द रीज़न, क्या कारण है इसका, आप इसकी खोज करें, इसका पता लगाएं। What guesses are made? कौन कौन से अनुमान लगाए जाते हैं? By think tank, think tank के बारे में, about the books found on earth, यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली किताबों के बारे में think tank के द्वारा क्या क्या अंदाजे लगाए जाते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? What guesses are made by think tank, यानी think tank के द्वारा क्या क्या अंदाजे लगाए जाते हैं, किसके बारे में? अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली किताबों के बारे में। अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, ओके बच्चों। तो मैं एक्चुअली सीमा रेखा तय कर रहा हूँ स्वयं, और मैं मुझे पता है कि इसके उधर अगर मैं लिखता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो आई जस्ट डिसाइडेड ओनली द बॉर्डर ऑफ द बोर्ड, मैंने सिर्फ बोर्ड जो है उसकी बॉर्डर को तय किया है। What guesses are made by think tank? Think tank के द्वारा क्या क्या अंदाजे लगाए जाते हैं? What guess? देखो बच्चों, what और guess दोनों साथ साथ आ रहा है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जब भी कोई WH वर्ड आता है तो क्या होता है बच्चों, जैसे ये WH वर्ड है तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ HV आनी चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। क्लियर है? जब मैं आपसे पूछता हूँ कि What is your name? तो सब्जेक्ट के स्थान पर मैंने लिखा your name। उसी तरीके से कल तुमने क्या खाया था नाश्ते में, तब मैंने इंग्लिश में पूछा कि what did, इस जगह did आएगा कि नहीं आएगा। What did you eat in breakfast yesterday? What did you eat in breakfast yesterday? कल तुमने नाश्ते में क्या खाया था? तो बच्चों आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ did का प्रयोग किया है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि WH word का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। ए डब्ल्यू एच वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। दूसरी बात, अगर डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ है, इट मीन्स द सेंटेंस इज एन इंटरोगेटिव वन। इसका मतलब यह है कि वो वाक्य कैसा है, वो प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हुआ है, इट मीन्स दैट द सेंटेंस इज नॉट एन इंटरोगेटिव वन। इसका मतलब वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है। And WH word is not a WH word, or WH word does not function as a WH word in that sentence. और उस वाक्य में क्या होता है, WH word के रूप में function नहीं करता है, but it functions as a relative pronoun, either as a relative pronoun or a relative adverb. ये relative pronoun के रूप में या बच्चों relative adverb के रूप में function करता है। ये दो वाक्यों को कनेक्ट करता है, ये कनेक्टिव होता है, ये जॉइनिंग वर्ड होता है। इज इट क्लियर? एक बात ये भी है कि WH वर्ड के ठीक बाद में अगर आपने HV का प्रयोग किया है तो आप ये पक्का मान के चलिए बच्चों, अगर वाक्य आपका प्रश्नवाचक है तो ये HV जो है इसको सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद नहीं आना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, योर सेंटेंस इज बिगिनिंग विद द WH वर्ड, देन द HV शैल ऑलवेज बी प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट एंड नेवर आफ्टर द सब्जेक्ट। क्लियर हो गया है? अगर WH वर्ड का प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ है तो यह भी पक्का मानो कि HV का प्रयोग भी कर्ता से पहले माने सब्जेक्ट के पहले होगा और सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा। क्योंकि बच्चों किसी भी वाक्य में जब तक HV को उठाकर कर्ता के पहले नहीं रखा जाता, उसका इन्वर्जन नहीं किया जाता, तब तक उसका व्युत्क्रम नहीं किया जाता, तब तक हम किसी भी साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं बदल सकते। क्लियर? एक बात मुझे ये भी समझानी है कि बच्चों आपने इस सेंटेंस में देखा है जो आपका आलोच्य सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है? देखो मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, जरा ध्यान देना।
डू यू नो, डू यू नो वॉट सेक्स द बेबी इज, और आपका सेंटेंस जो उसके लास्ट में लगा दिया मैंने क्वेश्चन, डू यू नो वॉट सेक्स द बेबी इज, क्या तुमको पता है कि ये बच्चा जो है इसका सेक्स क्या है, आई मीन मस्कुलाइन और फेमिनाइन, मैं ये पूछना चाहता हूँ इसका जेंडर क्या है, ये स्त्रीलिंगी है या पुल्लिंग है, बच्ची है कि बच्चा है, अरे ये बेबी जो है ये बच्ची है कि बच्चा है, क्या आपको पता है? अब बच्चों समझाना ये है कि वॉट के ठीक बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नाउन आ रहा है, उसी तरीके से बच्चों वॉट, अब देखो सहायक क्रिया नहीं आ रही है और क्या आ रहा है यहाँ पर, वॉट गेसेज, क्लियर है, और यहाँ आ रही है आपकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसी का नहीं आ रही है, तो ये बच्चों इस बात को समझो कि गेस एक नाउन है और वॉट इसके ठीक साथ में आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो वॉट है बच्चों ये किसका काम कर रहा है, ये एक प्रकार से डिटर्मिनर का काम कर रहा है, ये एक प्रकार से पजिजिव का काम कर रहा है, इसका प्रयोग साथ साथ भी कभी कभी होता है, विच में तो हमेशा ही ऐसा होता है, जैसे विच, अब बच्चों क्या आ रहा है देखो, क्लास, जरा ध्यान देना, डू यू रीड इन, विच क्लास डू यू रीड इन, बच्चों आप देख रहे हैं कि इस डू का प्रयोग यहाँ नहीं किया मैंने, विच डू नहीं बोला मैंने, बोला विच क्लास, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक नाउन है और ये इसके ठीक पहले आ रहा, तो किसका काम कर रहा है, पजेजिव का काम कर रहा है, एक डब्ल्यू एच वर्ड और देखो, हुज पर्स, पर्स ये नहीं होता बटुआ, हुज पर्स इज दिस, ये किसका बटुआ है, आपने देखा बच्चों इस का प्रयोग मैंने यह नहीं किया है बल्कि यह किया है, ये नाउन है और ये इसके ठीक पहले आ रहा है, तो किसका काम कर रहा है, ये पजेजिव का काम कर रहा है, ये डिटरमिनर का काम कर रहा है, ये प्री मॉडिफायर का काम कर रहा है, मुझे ये समझाना है कि तीन डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे हैं, दो तो ऐसे हैं हुज और विच का प्रयोग अकेले कभी नहीं होता, ध्यान दे लेना बच्चों, लिखना तो लिख लें, कागज पे भी लिख सकते हैं आप, और आप अपना मन का जो कागज है उस पे भी लिख सकते हैं आप परमानेंटली, है ना, परमानेंट मार्कर से आप इस बात को लिख लें कि विच और हुज दो ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड है विच आर देवर यूज्ड सिंगल, जिनका प्रयोग अकेले कभी किया नहीं जाता है, जब भी आएंगे तो क्या होगा, इनके साथ कोई नाउन जरूर आएगा, और आप जानते हो बच्चों एक ऐसा शब्द जो कभी अकेला नहीं आता और अपने साथ में नाउन को लेकर के आता है, वह क्या क्या कहलाता है, वह निश्चित रूप से एक पजेजिव की तरह फंक्शन करता है, वो एक डिटरमिनर कहलाता है, इज इट क्लियर, तो बच्चों बीच आ गया हुज आ गया, अब बात आती है वॉट की, तो आप ये कहोगे सर वॉट इज योर नेम, इसमें तो इज आ गया और यहाँ पर तो गैसेज आ रहा है, यहाँ पर सेक्स आ रहा है, तो मेरा कहने का मतलब बच्चों वॉट एक ऐसा डब्ल्यू एच वर्ड है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इन टू टाइप्स, जिसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, जब ये डब्ल्यू एच वर्ड की तरह फंक्शन करता है, जब ये सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड की तरह फंक्शन करता है, या कह सकते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है, तब इसके साथ में क्या नहीं आता, तब इसके बाद में नाउन नहीं आता, क्योंकि बच्चों पहले प्रोनाउन और बाद में नाउन ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, तुमने भी नहीं सुना होगा, ये जरूर है कि पहले नाउन और बाद में प्रोनाउन, ये तो सबको पता है कि वंस देर वाज ए क्रू, फिर आपने बोला इट वाज वेरी थर्स्टी, इट का प्रयोग आपने नाउन की आवाज में किया, पर ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि वंस देर वाज इट द क्रू वाज वेरी थर्स्टी, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं ये समझाना चाहता हूं कि ए नाउन शैल ऑलवेज बी यूज, ए नाउन शैल ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर, मैं ये कहना चाहता हूं कि नाउन का प्रयोग सदैव पहले किया जाता है, एंड प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, प्रोनाउंस वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी नाउन के एवज में किया जाता है, तो उनका प्रयोग पहले कभी नहीं होता, उनका प्रयोग नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए हम नाउन के एवज में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, पहले प्रोनाउन आता है, सॉरी पहले नाउन आता है लेकिन प्रोनाउन बाद में आता है, इज इट क्लियर, ओके, अब आओ, व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक, ये पेशी वज का सेंटेंस है बच्चों, थिंक टैंक के द्वारा कौन कौन से अंदाजे लगाए जाते हैं, ध्यान दो पेशी वज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है तो समझ लो कि आपने जो एक्टिव से पेशी बनाया वो गलत बनाया, आई मीन मैं ये कहना चाहता हूँ इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेशी वॉइस विदाउट यूजिंग द थर्ड फॉर्म और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है
उसका प्रयोग किए बगैर किसी भी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पेशी वॉइस में बदलना संभव नहीं होता। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, तब आपको ये लेटर इज रिटन बाय मी, बोलो रिटन बोला कि नहीं बोला, ये याद होना पड़े, ये याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई रफ एंड रेडी रूल नहीं है। समझ में आ रही है? गो वेंट गोन, होता है तो होता है। यू शैल हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, यू शैल हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, आपको लिख लिख करके इसको याद करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों इतना समझ लीजिए कि अगर आपने 100 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स अगर आपने याद कर ली, यू लर्न 100 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, अगर आपने 100 क्रियाओं के रूप याद कर लिए तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि फिर सब में ज्यादातर वो आपको तरीका समझ में आ जाएगा क्या होता है, वही होता है क्या, जैसे ईडीडी जुड़ जाता है, और अगर लास्ट में ई पहले आ रहा तो सिर्फ डी जुड़ जाता है। आप ये भी समझ जाओ, ये कुछ ऐसे होते हैं सिंह तो आप बोलोगे सिंह सेंग संग, उसी तरीके सिंक तो सिंक सेंक संग आपको समझ में आ जाएगा। वो करते 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 आप जानते हो, रसरी आवत जाते शिर पर परत निशान, और करत करत अभ्यास की जरमती होत सुजान, जरमती होत सुजान। क्लियर? एनी हाउ, तो वॉट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक के द्वारा क्या क्या अंदाजे लगाए जाते हैं अबाउट द बुक्स, किताबों के बारे में। बच्चों बुक्स के पहले दे क्यों आ रहा है? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर बुक्स, मैं उन खास किताबों की बात कर रहा हूँ विच आर फाउंड ऑन अर्थ, जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। मैं ये भी समझा चुका हूँ कि ऑन अर्थ सही होता है और ऑन द अर्थ गलत होता है। क्लियर है? जो अर्थ है बच्चों उसके पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन अगर उसके पहले ऑन का प्रयोग हो रहा है तब आपको ऑन द अर्थ कभी नहीं बोलना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों ऑल नाइट सही होता है, ऑल द नाइट गलत होता है। इट केप्ट ऑन रेनिंग ऑल नाइट, इट केप्ट ऑन रेनिंग ऑल नाइट, सारी रात बारिश होती रही, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। और अगर आपने ये कहा कि इट केप्ट ऑन रेनिंग ऑल द नाइट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ऑल के बाद में ऑल नाइट सही माना जाता है, ऑल द नाइट हमेशा गलत माना जाता है। क्लियर हो गया? अब बच्चों में टाइम की बात कर रहा हूं, फ्यू सेकेंड्स लेटर माने कुछ एक क्षणों के पश्चात। प्लेस देखो बच्चों, मार्स स्पेस कंट्रोल माने मंगल ग्रह, मंगल ग्रह का जो है क्या बच्चों, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण प्रकोष्ठ एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। और बच्चों आप जानते हो सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब, सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी यानी एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसका नाम सेंटर विले है। आप जानते हो राधाकृष्णन लाइब्रेरी, अब उसका क्या अनुवाद करूँ, राधाकृष्ण तो राधाकृष्ण है। उसी तरीके से कहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ता हूँ, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइब्रेरी बनी हुई है सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें जाकर के आप पढ़ते हैं सेंट्रल, तो सेंट्रल उसका तो नाम है वो, है ना। तो आप समझेंगे मार्स स्पेस कंट्रोल यानी मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण प्रकोष्ठ है एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, और जो जगह बच्चों कौन सी है, सेंटर विले सार्वजनिक पुस्तकालय। एट राइज का मतलब पर्दा उठता है, द कर्टेन राइजेज, द कर्टेन राइजेज का मतलब बच्चों पर्दा उठता है और आपको जो है लाइम लाइट के अंदर कैमरे की जो रोशनी है, ठीक है बच्चों, तो उस रोशनी के अंदर आपको कौन दिखाई देता है, सबसे पहले आपको दिखाई देती है कैप्टन ओमेगा, कप्तान ओमेगा इज सीन, कप्तान ओमेगा दिखाई देती है ना, स्टैंड सेट सेंटर, और कहाँ खड़ी हो जाती है वो रंगमंच के या पोडियम का जो सेंटर माने जो मिडिल पार्ट है उसके ऊपर आकर के खड़ी हो जाती है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट द मिडिल ऑफ द पोडियम, कप्तान ओमेगा रंगमंच के मध्य भाग में आकर के खड़ी हो जाती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग, और बच्चों उसके पास में क्या है, कार्ड है। समझ में आ रहा, कार्ड तो जानते हो ताश के पत्ते होते हैं तो उनको आप कार्ड कहते हैं, तो ये क्या कर रही है बच्चों, बार बार ओपन करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब खोलती है और बंद करती है, खोलती है एंड बंद करती है किसे, कार्ड कैटलॉग का मतलब होता है कार्डों का, उसके पास में क्या है जरा बताना, सूची पत्र। ये जो सूची पत्र है बच्चों इसे अंग्रेजी में कैटलॉग कहते हैं। शी ओनली ओपन्स एंड क्लोजेस द कार्ड कैटलॉग, अर्थात जो कार्ड कैटलॉग है ना उसको क्या करती है बच्चों, खोलती है, जुड़ती है कार्ड कैटलॉग। ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स का मतलब होता है बच्चों, कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स का मतलब होता है कार्डों के सूची पत्रों की जो ड्रॉवर, ड्रॉवर्स का मतलब होता है दराज, आलमारी के अंदर क्या बनी हुई है, दराज बनी हुई है, तो कार्डों के सूची पत्रों की दराज को खोलती है जुड़ती है। शी ओनली ओपन्स एंड क्लोजेस द कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स, जो कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर है उसको खोलती है जुड़ती है इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन। इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन का मतलब होता है बच्चों एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है, इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन का मतलब है
कि अनियमित रूप से इरेगुलरली एट रैंडम, देखो बच्चों, इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन। अब बच्चों इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये एक प्रकार का फ्रेज बन गया है और इसका मतलब होता है एट रैंडम। इसका मतलब ये हुआ कि शी ओनली ओपन्स एंड क्लोजेज, शी जस्ट ओपन्स एंड क्लोजेज, वो बार बार खोलती है और जुड़ती है किसको, कार्ड के ठेलों ड्रॉवर्स को खोलती है। इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन का मतलब वो कन्फ्यूजन में है, वो असमंजस में है, वो निर्णायक स्थिति में नहीं है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप, बच्चों ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कर लेना, लेफ्टिनेंट नहीं होता लेफ्टिनेंट होता है, वो क्लियर हो गया। तो लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप, यानी इस बार क्या हुआ कि जो लेफ्टिनेंट आयोटा है वो शी स्टैंडिंग अप, यानी वो ऊपर खड़ी है, लेफ्ट यानी वहीं, और काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, एक जो बुक बॉक्स है, बुक बॉक्स का मतलब जानते हो, एक पुस्तक मंजूषा या जो पुस्तक पेटिका है उसके अंदर वो क्या करती है, उसमें से जो किताबें हैं उनको गिन रही है। सार्जेंट ऊप इज दैट राइट, और जो सार्जेंट ऊप है बच्चों इस बार गए वो दाई ओर है। एंड ओपनिंग क्लोजिंग ए बुक, वो एक किताब को खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है, टर्निंग इट अपसाइड डाउन अर्थात इसको उलट पलट करते हुए, शेकिंग माने इसको हिलाते हुए, शेकिंग इट माने इसको हिलाते हुए, एंड देन रिफिलिंग और फिर शीघ्रता से खोलते हुए द पेजेज, और उसके बाद में क्या करता है, शीघ्रता से इमीजिएटली वह पेजेज को खोलता है, एंड शेकिंग इज एड, और वह अपने सर को क्या करता है बच्चों, शेक करता है, अपने सर को हिलाता है, ही शेक्स इज हेड एंड देन ही शेक्स इज हेड, और फिर बाद में अपने सिर को हिलाता है। तो बच्चों इस क्रम में हमारी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम बिफोर यू। देखेंगे आप, अपनी बात जहाँ खत्म हुई थी वहीं से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों पेज नंबर 3 के ऊपर जितनी बातें करनी थी हमने की है, नाउ यू प्लीज टर्न द पेज नूडल, देखो एट पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 के ऊपर बच्चों सबसे ऊपर देख रहे हैं आप नूडल क्या कहता है, एडजस्टिंग नॉब्स का मतलब होता है घुंडियों को एडजस्ट करते हुए। देखो बच्चों जैसे मान देखो स्विच बोर्ड है, अभी स्विच बोर्ड के ऊपर बच्चों ये कई सारे स्विच बने हुए हैं, खटके बने हुए हैं ना, तो वो जो ऊपर वाला बटन होता है ना, उस बटन को आप बोलते हैं के एन ओ बी नॉब, क्या बोलते हैं उसे, गुंडी, गुंडियाँ। तो जैसे गुंडी होती है ना, जैसे बटन की जैसी, ठीक है। तो वो क्या करता है बच्चों कि जो नॉब्स है अर्थात जो गुंडियाँ हैं उनको समायोजित करता है। तो गुंडियों को समायोजित करते हुए आई हैव अ क्लोज साइटिंग, वो कहता है आई हैव अ वेरी क्लोज सीन, आई हैव अ वेरी क्लोज व्यू, अर्थात बहुत ही नज़दीक एक नज़ारा मुझे दिखाई दे रहा है ऑफ द स्पेस क्र्यू, ऑफ द स्पेस क्र्यू माने अंतरिक्ष यान में जो क्र्यू हैं। क्र्यू का मतलब जानते हो बच्चों, क्र्यू का मतलब होता है मतलब कि चालक समूह है, कोई भी जो प्लेन में जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सबको आप क्र्यू कहते हैं, क्र्यू, ठीक है बच्चों। क्र्यू इज द नेम फॉर द ग्रुप ऑफ All the employees working at a plane.
तो बच्चों एक प्लेन जो होता है उस प्लेन के ऊपर जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको आप क्या बोलते हैं, क्रू कहते हैं। तो देखो CREW क्रू का मतलब समझ में आ गया है, चालक समूह है। चालक समूह का मतलब जितने भी पायलट और जो सहायता करने वाले उनके जितने भी जो एयर होस्टेस वगैरह वगैरह सारे हैं उन सबको मिला करके हम कहते हैं। तो कहता है आई हैव ए वेरी क्लोज साइटिंग। ये देखो बच्चों SIGHTING का मतलब होता है क्लोज, यानी बंद करना भी होता है, क्लोज माने नजदीक। आई हैव वेरी क्लोज साइटिंग माने आई हैव ए वेरी क्लोज व्यू, अर्थात मुझे बहुत निकट से एक नजारा दिखाई दे रहा है, किसका, ऑफ द स्पेस क्रू सर यानी श्रीमान। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर माने श्रीमान या मेरे आका, मुझे बहुत करीब से क्या है कि अंतरिक्ष यान के जो चालक समूह हैं उनका नजारा या उनका दृश्य मुझे दिखाई दे रहा। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनोरस गूगल्स। पुटोन तो जानते हो बच्चों, पुटोन का मतलब क्या होता है? पुटोन का एक मतलब तो ये होता है बच्चों कि जैसे पंखा बंद है तो आपको क्या करना है, प्लीज पुट द स्विच ऑन, प्लीज पुट द फैन ऑन, इसका मतलब पंखा चालू कर दो। तो पुटोन यानी चालू करना होता है, पुट ऑफ यानी क्या होता है, बंद करना होता है। लेकिन बच्चों पुटोन का मतलब पहनना भी होता है, जैसे इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है, यू नीड पुट ऑन योर कोट, तुम्हें दरकार है कि तुम अपना कोट पहने, तुम्हें इस बात की आवश्यकता है कि तुम अपना कोट पहनो। तो पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, धारण करना होता है, वियर, जैसे आंखों में चश्मा चढ़ाया आपने तो क्या बोलो, ये पुट ऑन बोलो ये। तो उसने क्या किया बच्चों, थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स। इनॉर्मस तो जानते हो बहुत बड़े 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 बहुत बड़े विशाल, गूगल का मतलब क्या होता है, धूप छाया के चश्मे। तो जो धूप छाया के बड़े बड़े चश्मे हैं बच्चों उनका एक पेयर, उनका एक जोड़ा है, उसको क्या करता है, थिंक टैंक अपनी आंखों के ऊपर चढ़ाता है एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और फिर वह रंगमंच की ओर मुड़ता है, टू वॉच माने देखने के लिए। एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड्स द पोडियम, और उसके बाद में वो पोडियम का मतलब होता है स्टेज या रंगमंच, उसकी तरफ मुड़ता है इन ऑर्डर टू वॉच द साइट, इन ऑर्डर टू वॉच द साइटिंग और इन ऑर्डर टू वॉच द व्यू, उस दृश्य का अवलोकन करने के लिए, उस दृश्य को निहारने के लिए। दे सीम टू एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, दे सीम टू हैव एंटर्ड माने ऐसा प्रतीत होता है। ये शब्द है ना बच्चों SEEM, सीम यानी जानते हो क्या होता है, सीम यानी प्रतीत होना, इट सीम्स दैट ऐसा प्रतीत होता है। दे सीम टू एंटर्ड ऐसा, इट सीम्स दैट ऐसा प्रतीत होता है, दैट दे हैव एंटर्ड माने भी प्रवेश कर चुके हैं, सम सॉर्ट ऑफ का मतलब किसी न किसी प्रकार का, ठीक है, अर्थ स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों किसी न किसी प्रकार की जो पृथ्वी की संरचना है, सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर का मतलब किसी न किसी प्रकार की जो भौमिक संरचना। आप जानते हो बच्चों अर्थ सबसे क्या बना है, भूमि, ध्यान दो, ये शब्द है देखो अर्ध, अब इस अर्थ का मतलब तो जानते हो भूमि होता है, लेकिन बच्चों आप इस बात को जानते हो कि जब इसके आगे आप नाउन लगाओगे तो इसको विशेषण बनाना पड़ेगा, तो मैंने भूमि का क्या बोला, भो, इसमें भूमि प्लस इक यानी भौमिक संरचना, वे किसी न किसी प्रकार की भौमिक संरचना में क्या हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, दे एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थात वे किसी न किसी प्रकार की जो अर्थ स्ट्रक्चर है बच्चों, आई मीन जो भौमिक संरचना या जो भौमिक बनावट है उसके अंदर वो दाखिल हो चुके हैं, वो प्रवेश हो चुके हैं। और आगे देखो, थिंक टैंक एक्सीलेंट, उत्तम, अति उत्तम, बहुत अच्छे, कौन बोलता है, थिंक टैंक कहता है बहुत अच्छे, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, मेरा उससे क्या कराओ, एस्टैब्लिश माई वॉइस कॉन्टैक्ट विद देम, उनके साथ में मेरा वॉइस कॉन्टैक्ट करवाओ, अर्थात ध्वनि संपर्क। एक तो बच्चों वीडियो कॉल होता है, यू नो, जहाँ पर कनाडा में बैठा हुआ आदमी जब आपको वीडियो कॉल करता है तो आप उसको प्रत्यक्ष देख पाते हैं, आपके आपकी भावभंगिमाएं, आपकी मुख मुद्राएं, योर जेस्चर्स, एवरीथिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, एवरीथिंग कैन बी सीन, किसके द्वारा, वीडियो कॉल। लेकिन यहाँ मैं वीडियो कॉल की नहीं, मैं वॉइस कॉल की बात कर रहा हूँ, जैसा कि फोन के ऊपर हम जनरली करते हैं, मोबाइल फोन वगैरह के ऊपर। तो कहता है कि एस्टैब्लिश माई वॉइस कॉन्टैक्ट विद देम, वो ये कहता है कि उनके साथ में मेरा वॉइस कॉन्टैक्ट स्थापित करवाओ, वो ये कहता है कि उनके साथ में मेरा वॉइस कॉन्टैक्ट अर्थात जो है मेरा ध्वनि संपर्क उनके साथ में स्थापित करवाओ, कहने का मतलब मेरी उनसे बात करवाओ, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू देम, मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहता हूँ, तो लेट मी टॉक टू देम, मुझे उनसे बात करवाओ। नूडल स्पीकिंग इन टू अ माइक्रोफोन, नूडल एक माइक्रोफोन में बोलता है, माइक्रो मन जानते हो बच्चों, छोटा सा माइक्रो, ठीक है, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रोस्कोप माने सूक्ष्म दर्शी, आप समझ गए। तो माइक्रो जो है बच्चों जिसका मतलब होता है वेरी लिटिल,
वेरी टाइनी दैट कैन नॉट बी सीन बाय योर नेक्ड आईज, जिसको ये हमारी जो नेक्ड आईज है उनके द्वारा हम नहीं देख सकते हैं. तो स्पीकिंग इन टू अ माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में वो बोलता है, क्या बोलता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग, क्या बोलता है वो, वैसे बोलता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग, यानी मंगल ग्रह का जो अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष है वो क्या है, वो आपसे बात करना चाह रहा है. ऐसा बच्चों बोलने का तरीका होता है. आप जानते हैं पुलिस वाले जब फोन पे जाते हैं तो रोजर सर, रोजर सर, रोजर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं. एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनका कोई कोड होगा, इसलिए वो रोजर रोजर कहते रहते हैं. रोजर बोलते हैं, टाइगर बोलते हैं. एसपी साहब से जब बात करते हैं तो उसको टाइगर के पुकारते हैं, तो हम सोचते हैं कि कहीं कोई जंगल से टाइगर तो नहीं आ गया है. तो जो कोड कोड्स को नहीं जानता है वो तो मिसइंटरप्रिट करता है, गलत व्याख्या करता है. लेकिन हु इज अवेयर विद द कोड्स, लेकिन जो उन कोड से अवेयर है, ही कैन ड्रॉ द एग्जैक्ट मीनिंग, ही और शी कैन ड्रॉ द एग्जैक्ट मीनिंग. जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको वही ड्रॉ कर सकता है, वन हु नोज द कोड्स वेरी वेल, जो कोड्स को बखूबी जानता है. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग, क्या बोल रहा हो, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष आपसे बात करना चाह रहा है. ठीक है, कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन. प्रोब वन का मतलब होता है सूचना संग्रह एक नाम का जो वायुयान है, सूचना संग्रह एक नाम का जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर वायुयान कुछ भी है, एरोप्लेन है, तो उससे जो है उस फाइटर प्लेन से कौन बात करना चाहता है, उससे वो करना चाहता है कौन, मार्स स्पेस कंट्रोल का मतलब मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष. और उसका मुखिया कौन, हु इज द हेड ऑफ दैट ऑफिस, हु इज द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, थिंक टैंक इज द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. थिंक टैंक बच्चों उसका क्या माना है, क्या है उसका हेड है, वह बात करना चाहता है. किन से करना चाहता है, क्रू, क्रू का मतलब जो कर्मचारी है ना, किसके ऊपर, इस ये जो सूचना संग्रह एक यानी प्रॉप वन नाम का जो विमान है उसके ऊपर कार्य करने वाले कर्मचारियों से वह संपर्क स्थापित करना चाहता है. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉप वन, थ्री लाइन रिपीट हो रही है कि प्रॉप वन माने सूचना संग्रह एक नाम का जो विमान है फाइटर प्लान, उसके ऊपर जो क्रू अर्थात जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके साथ में कौन संपर्क स्थापित करना चाहता है, मार्स स्पेस कंट्रोल उनके साथ में कॉन्टेक्ट करना चाहता है. कविन कैप्टन ओमेगा, आओ आगे बढ़ो कैप्टन ओमेगा, कप्तान ओमेगा, एंड गिव्स अस योर एंड गिव अस योर लोकेशन. वो फोन पे कहता है कि हाँ भाई कैप्टन ओमेगा सामने आओ. एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब भी कोई बड़ा अधिकारी बात करेगा किसी स्कूल के स्टाफ से तो वो तो स्टाफ से नहीं करेगा, सीधा प्रिंसिपल से बात करेगा. प्रिंसिपल जिम्मेदार है सबके लिए. इन द सेम वे उस विमान के ऊपर जो सबसे मुखिया कौन है, कैप्टन ओमेगा थी, तो कप्तान ओमेगा जरा ये बढ़ो एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें ये बताओ कि अभी आपकी लोकेशन क्या है, आपका ठिकाना क्या है, अपने ठिकाने के बारे में हमको बताओ. टेल अस अबाउट योर डेस्टिनेशन, टेल अस अबाउट योर लोकेशन. इस समय आप जो है कौन सी जगह पर स्थित हैं, आपकी जो वस्तु स्थिति है, सॉरी आपकी जो अवस्थिति है उसके बारे में, प्रस्थिति है उसके बारे में हमको बताइए. ओमेगा स्पीकिंग इन टू ए डिस्क, ओमेगा क्या करती है, एक डिस्क है उसके पास में. डिस्क एक प्रकार का यंत्र है, एक ताबीज जैसा कुछ छोटा सा जुगाड़ है. आपको पता आजकल तो लोग कानों में पता नहीं क्या क्या लगा के गाड़ी के ऊपर चलते रहते हैं, एक कान में लगा रहता है दूसरे में नहीं लगा रहता. मैं सो देखता हूँ, सोचता हूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ, कुछ न कुछ तो होगा. मोबाइल भी नहीं हो, इतना सा गुट्टा लगा लेते हैं. तो वैसा ही कुछ डिस्क है बच्चों, उस डिस्क के ऊपर वो बातें करते हैं. स्पीकिंग टू ए डिस्क अर्थात वो जो लड़की है कैप्टन ओमेगा, जो कप्तान ओमेगा है, वो किस में बोलती है, वो उस ताबीज जैसे यंत्र में बोलती है. विच इज ऑन अ चेन, जो किस पर बंधा हुआ है, वो बच्चों एक चेन के ऊपर जैसे ताबीज बंधा होता है ना, तो उसी प्रकार से चेन के ऊपर जो है वो डिस्क बंधी हुई है. आप जानते हो बच्चों कान की हम जो क्या कहते हैं फोन वगैरह जब सुनते हैं तो ईयरफोन लगा के सुनते हैं, उसके बीच में क्या होता है, गुंडी होती है, गुंडी होती है, उसको अगर आप मुंह के पास में लाके बोलते हैं तो आपकी आवाज़ क्लियर कट जाती है. तो वैसा कुछ उसके गले के अंदर एक चेन है, और चेन के अंदर क्या बंधा हुआ है, एक डिस्क बंधी हुई है ना, अराउंड हर नेक का, उसकी गर्दन के चारों तरफ, उसकी गर्दन के चारों तरफ जो चेन पड़ी हुई है, उस चेन के अंदर जो गुंडी अर्थात जो डिस्क है उसके अंदर वो बोलती है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल. और क्या बोलती है, वो कहती है कप्तान ओमेगा बात कर रही है, किससे, मार्स स्पेस कंट्रोल से बात कौन कर रही है, कप्तान ओमेगा बात कर रही है. लेफ्टिनेंट अयोटा, लेफ्टिनेंट अयोटा दूसरे नंबर पे बच्चों, सार्जेंट ऊप, एंड तीसरे नंबर पे आएगा आई. आप जानते हो 231 का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए जो इसमें नहीं है, उसके बाद थर्ड पर्सन आना चाहिए. तो ये दोनों थर्ड पर्सन है, कौन, लेफ्टिनेंट अयोटा, सार्जेंट ऊप, दोनों थर्ड पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है. उसका प्रयोग सबसे अंत में किया जाता है. अगर एक या अगर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तो उनका ऑर्डर जो होता है बच्चों वो 231 होता है. यानी हमको सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद हमको थर्ड पर्सन का प्रयोग करना चाहिए, और उसके बाद में हमको फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना चाहिए. तो लेफ्टिनेंट अयोटा, सार्जेंट ऊप, एंड आई अराइव्ड ऑन अर्थ, और मैं, हम सब मिलकर ये कहाँ आ गए हैं, हम पृथ्वी पर आ गए हैं. एंड आई अराइव्ड ऑन अर्थ अर्थात हम पृथ्वी पर आ गए हैं.
एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ, अर्थात हम कहाँ गए बच्चों, हम पृथ्वी पर आ गए विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी अप्रिय घटना के घटे, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है, और हम कहाँ आ गए हैं, हम वहाँ आ गए हैं। बताओ कहाँ आ गए हैं, हम पृथ्वी पर आ गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर, हमने पनाह ले ली है, क्या ले ली हमने, पनाह है, हमने पनाह ले ली है इन दिस, इसके अंदर ले ली है, इंडिकेट्स रूम, एक कमरे की तरफ संकेत करती है, इन दिस स्क्वायर प्लेस, ये जो वर्गाकार जगह है, ये जो वर्गाकार प्रकोष्ठ है, इसके अंदर हमने पनाह ले ली है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, क्या आपको अंदाजा है कि हम कहाँ हैं, क्या आपको कुछ अंदाजा है कि इस वक्त हम कहाँ हैं, अर्थात आपके जो यंत्र हैं उन यंत्रों के माध्यम से, जो यंत्रों के जो वेव लेंथ, अर्थात जो तरंग दैर्ध्य हैं, उनके द्वारा क्या आप कुछ गेस कर सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन हमारी अभी क्या है। लेफ्टिनेंट आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा जरा तुम बता सकती हैं कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।